नमस्कार दर्शक बंधु लीड स्टोरी को आपमनकु स्वागत करूछि मु अविनाश महापात्र। लीड स्टोरी रे आज एभली एक प्रसंग रे आमे आलोचना करबा जो प्रसंग समग्र भारत वर्ष रे लज्जा आनिछि आ पूरा देश आज समस्ते ए घटना को निंदा करूछन्ति। समस्तक मधे गोटे आक्रोश रहिछि। मानवीकतार मृत्यु परे मनीष जे पैसाचिक आचरण प्रदर्शन करे एवं मनीष केवल पिशाच हुए नहीं बर राक्षस पलटि जाए तार ज्वलंत उदाहरण मणिपुर देखा मिली। गत काली आज पर्यंत जो भिडोटी भाइराल मोबाइल टू मोबाइल घूरी बुलू सबु सोशल मीडिया घूरी बुलू अर्थात दुईज महिला उल्लग्न कर रास्ता उपरे चले चले निया जौन निर्यातना दि जाऊँ आउ सहित गण दुष्कर्म कर बर्बरोचित कांड मणिपुर घटी। ए घटना को 76 दिन जदि बापितला अर्थात मे 4 तारीख घटना किंतु जहाँ आज सड़क संसद सबुठ प्रतिवाद देखा मिली। निजे सुप्रीम कोर्ट देशर सर्वोच्च न्यायालय कहते जे जदि सरकार किसी न करे आक्शन आमे नबू। समस्त मधे क्रोध समस्त मधे आक्रोश जे मानविकतार एभली स्तर को आम गले जोटी मानविकता को केवल आम कबर देना बर आम जो गोटे गोटे राक्षस पलटि जाइंट कौटि अच्छी आईन श्रृंखला कहीं एते दिन पर्यंत से दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान निपारिना कहीं वीडियो वायरल होगा पर्यंत अपेक्षा कर घटना को नहीं अनेक प्रश्न जितेबाला कुकी संप्रदाय उपर आक्रमण चली गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय उपर लगातार भाव में आक्रमण चली रोकवाई कहीं आज पर्यंत दुई मस अधिक समय प्रयास करना से सरकारी स्तर में हो से प्रशासनिक स्तर में हो सबू को नहीं आज प्रसंग मध्ययुगीय बर्बरता। दर्शक बंधु गोटे समय थिला जेतेबेले शिक्षा थिला ना संस्कार थिला ना आपणंक पाखरे से भली बोध थिला अर्थात कौटा ठीक कौटा भूल मनीष सेतेबेले पिशाचंग भली पशुंक भली आचरण प्रदर्शन करूथिला आउ जहाँकु आमे मध्ययुग बोली कहुथिले आउ सेइठी कोनोसी नीति नियम आईन श्रृंखला किछि भी नथिला किंतु से समय बदलिछि आमे गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रहिछन्ति आउ एभली स्थिति रे मणिपुर रे जो घटना जहाँ पूरा देश को आंदोलित आज कर समस्त मन में गोटे प्रश्न कहीं घटना घटला आउ जो घटना घटी जो माने से दायी जो माने दोषी से विरोध में कहीं कार्यानुष्ठान पर्यंत ग्रहण कराए कहीं 76 दिन बीतला ए घटना को कॉग्निजेंस को नापी बा घटना को विस्तृत भाव में प्रशासन से गंभीरतार सहित नापी इटि यही घटना को नहीं पूरा भारत आज रास्ता को आ समस्त मधे आक्रोश सबुठ आज देखा मिली आंदोलन समस्ते आज या निंदा करें मणिपुर हूँ मध्ययुगीय बर्बरता दुईज महिला उल्लग्न कर रास्त नौ समस्ते अच्छा समस्ते रास्त जौन व्यभिचार कर चलाई चलाई नौ जड़े वीडियो सुट कर मे 4 तारिख में कुकी संप्रदाय महिला विरोध में बर्बरता ए घटना को संसद रु सड़क सबुठ घोर निंदा एवं भत्सना कर मणिपुर को नहीं गभीर भाव में क्षोभ प्रकाश कर सुप्रीम कोर्ट वायरल वीडियो को नहीं सुप्रीम कोर्ट खप्पा होती महिला उपकरण भाव में व्यवहार करा अक्षमणीय बोली कहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कहते सरकार जदि किसी आक्शन न ने बाध्य आक्शन आमे नबू अर्थात एक देशर सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट कहते मणिपुर हिंसा पूरा देश को आज आंदोलित करी मणिपुर नियारे ताती मौसुमी अधिवेशन अर्थात पार्लियामेंट अधिवेशन मणिपुर रे महापाप ये घृण्य अपराधर विभत्स दृश्य जहाँ को टेलीविजन पर्दार देखे हेनी कि देख भी हेनी गण दुष्कर्म पर उल्लग्न कर बुलाई राक्षस दिल्लीर जंतर मंतर में कांग्रेस विक्षोभ एपटे महिला आयोग विभाग मंत्री ये समस्त को घेरी कांग्रेस। दर्शक बंधु यार मूल दिगटी कौन मूल दिग है मे मस 1 तारिख पर अर्थात 3 तारिख में जिते हिंसा है ये दुईज महिला कहुच्छे ए दुईज जाक कांगपोकी जिलार कांगपोकी जिले में गोटे पुलिस क्यांप होता एम गाँ हूँ बी फिनम गाँव में पूरा गाँ को जाली दिगला गाँव में निआ लगला आ गाँ को जाली दि जावापर दुईज महिला पुलिस क्यांप्रे आश्रय नहीं जो आंदोलनकारी मैंने थे जो दंगाकारी मैंने थे से खबर पाइले ये पूरा गाँ जलीगला कितु दुईज बंची जाइंट एवं ये दुईज पुलिस कैंप्रे आश्रय नहीं आने घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं गले ये वीडियो को आपड़ भल भाव जदि ताकू जो मैंने जांच एजेन्सी से जांच कर देखुं पखापाखि 300 रु अधिक लोक अच्छा
300 अधिक लोक घोषाड़ी घोषाड़ी भिड़ी भिड़ी दुईज महिला संपूर्ण उल्लग्न कर आपरे गोटे धान क्षेत्र थिला सेठी तांको सहित गणदुष्कर्म करापर से वीडियो को वायरल करते नृशंस भाव में फासी दंड वर्तमान समय चर्चा उठला दाबी उठला आम भारत में अच्छा ना बाहर कौन देश में अच्छा ये स्वाधीनतार 75 वर्ष पर यी देश में आईन श्रृंखला कथा जिते उठू राज्य आईन श्रृंखला कथा जिते उठू से कहीं कॉग्निजेंस को नि कहीं विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर भयंकर हिंसा एभली एक हृदय विदारक घटना 76 दिन पर यह घटना सामना को बीरेन सिंह प्रतिक्रिया आज प्रथम कर घटन में बीरेन सिंह होंगे से ही मुख्यमंत्री जीए या पूर्व एकाधिक बार तांपर चाप पड़ा सत्वे से ए घटन मुह खोल बीरेन सिंह प्रतिक्रिया प्रथम शुण Really very shocked when I saw the video yesterday. And after seeing the video, I immediately inquired about the incident. This incident, as per report available to me, was happened on May 4th. Thus, immediately this crisis was happened on 3rd, and that the next day it was happened. But this leak only after 47 days gap, and I was really shocked when such incident was taken place. So this type of, you know, the message I strongly commit, and it is a crime against the humanity. It's a heinous crime. And the state government will not keep silent. State government will not keep silent. Immediately after seeing the video, I asked to have mass combing operation where the suspected areas, and I also asked to the cybercrime to see the video's authenticity. And yesterday night itself. In around 1:30 a.m., we have arrested one man culprit who are involved in this heinous crime, and the state government will make effort to get the culprit the maximum punishment. बीरेन सिंह कहिबा कथा ए घटना रे आमे जणंकु गतकाल रातिरे गिरफ करिछु ए वीडियो वायरल हैला गतकाल दर्शक बंधु ए वीडियो को 76 दिन बितिलानी आपण जदि 4 तारिख रु देखिबे मे 4 रु जुलाई 20 76 डेज कोठी थिले मणिपुर रो मुख्यमंत्री काही कि ए पर्यंत ए विरोध रे जो माने अभियुक्त जो माने अपराधी जो माने दोषी समानक विरोध रे काही कि कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो नाही मीडिया चापरे देशवासीक चापरे लोकक चापरे काही कि सरकार काम करिवे आ बडो वर्तमान समय जो प्रसंग है पुलिस क्यांप्रुमान घोषाड़ी निर कथा आसला यापर आहरी तीन चारो दिग अच्छी प्रथम कथा है मणिपुर में जितेबले हिंसा उत्पन्न है परवर्ती समय हिंसा को नियंत्रण करने दुई मस रु अधिक समय लगे एपर्यंत ए हिंसा को नियंत्रण करना 76 दिन पर भी कहीं रही चुप प्रशासन मणिपुर में भयानक स्थिति मानविकतार सब सीमा मैंने उल्लंघन करते मे 4 तारीख में मणिपुर में दुई महिला उल्लंघन कर रास्त बुलाजा घटना को नहीं एपर्यंत भी चुप थिला प्रशासन ए घटना कांगपोकी जिले में जोटी पुलिस क्वांप्रु घोषारी आनी घटाई गणदुष्कर्म मणिपुर महापाप ए घृण्य अपराधर विभत्स दृश्य सारा देश देखी गणदुष्कर्म पर उल्लंघन कर राक्षस से बुलाई जलजल कर देखा जाहरा एपर्यंत से मधु मात्र जड़ को गिरफ्त कर जहाँ चर्चा होती जातीय गणमाध्यम 42 जनकर एथिरे संपृक्त रही 300 रु अधिक लोक थिले कुहा जाउची जो माने मोलेस्ट करथिले जो माने तांका विरोध रे जौन व्यभिचार करथिले केवल सेमानन को गिरफ कले हबनी जो माने वीडियो शूट करथिले जो माने निर्दिष्ट भाव रे पूरा घटना को रेकॉर्ड करथिले सेमानन को मध्य गिरफ करा जिवार आवश्यकता रहिची ए भितरे कांग्रेस जहाँ आज पार्लियामेंट रे प्रसंग उठाई विभागीय मंत्री को घेरी मणिपुर घृण्य अपराध को जहाँ कांग्रेस पक्षर तीव्र विरोध कर प्रोटेस्ट आपड़ देखुं जोटी जंतर मंतर टू आरंभ करी
सबुठ कांग्रेस कर्मी माने तीव्र विरोध करिसंती माने ए प्रसंगे प्रशासन को उत्तर मागिसंती काहीकि ए पर्यंत मणिपुर को आम न्याय दे पारुनांती। मणिपुर भारत अंग ना भारत अंग नुहे। मणिपुर रे एभली एक विभत्स घटना घटिला जहाँ को समग्र देश देखी अथचे पर्यंत कहीं भी ए घटना को नहीं प्रशासनिक स्तर में मुँह खुलना काहीकि घटना घटिला। प्रश्न आहुरी भी उठू जे जणीए को गिरफ कर चुप बस जाए प्रशासन प्रतिक्रिया शुणु मंत्रालय स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री उनके साथ साथ मणिपुर का सीएम चुप रह सकता है तो सोचिए ऐसे कितने वारदात होंगे देश में जो हमारी बहनों पे गुजर रही होगी और वो लोगों के सामने उजागर नहीं हुआ है। मणिपुर में तो ऐसी कई घटनाएं हुई है। मणिपुर में इंटरनेट बंद किया गया ताकि ये चीजें लोगों के सामने भी ना आए। दर्शक बंधु छोटी घटना आपण टेलीविजन सामना रे वर्तमान जो छोटी घटना बा छोटी कथा आसुची ये छोटी जाक कथा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रथम कथा है मध्ययुगीय बर्बरता। देखु ये छोटी जाक घटना बा छोटी जाक चित्र जो थे मध्ययुगीय बर्बरता रही जहाँ एबेका समय नुहे। भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष पर भी मणिपुर जदि स्थिति आम आज देखा तेरे आईन श्रृंखलार धज्जिया उड़ू कथा कहले भूल हो ना। एला प्रथम कथा सुप्रीम कोर्ट कौन कहते ना जदि आक्शन सरकार न लेबे आक्शन आम नबू। देशर सर्वोच्च अदालत कथा कहते जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़े कथा कहते अर्थात सुप्रीम कोर्ट ए घटना को केते गंभीरता से नहीं घटना को नहीं के क्षोभ प्रकाश करूँ स्पष्ट भाव में प्रतीयमान। सड़क रु संसद आपन देखिले जंतर मंतर प्रोटेस्ट संसद पार्लियामेंट उभय राज्यसभा लोकसभा मौसुमी अधिवेशन जहाँ जीठ आरंभ हो प्रोटेस्ट देखा मिली। आ सबुठ बड़ कथा है ये घटना को नहीं आप देखते स्पष्ट भाव में कि रही घटना को केवल संसद रु सड़क नुहे विभिन्न स्थान विभिन्न राज्यर विभिन्न जिलार लोक निंदा करें मानविकतार मृत्यु सामाजिक अधिकार मृत्यु मौलिक अधिकार मृत्यु सांविधानिक अधिकार मृत्यु तेणु ये दर्शाऊँ वर्तमान समय भारत जड़े नागरिक प्रति किभली अत्याचार कर सीजेआई के बयान वर्तमान समय अनेक प्रश्न सृष्टि कर सुप्रीम कोर्ट कौन कहले से प्रसंग को आसवा। मणिपुर घृण्य अपराध को सुप्रीम कोर्ट को निंदा कड़ा प्रतिक्रिया रखिंट प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ घटना कौन सी परिस्थिति घटना को बर्दाश्त करा बोली विचारपति ये बर्दाश्त बाहर महिला को उपकरण भाव में व्यवहार करा जिबा अति जघन्य अपराध। सोशल मीडिया रे वायरल वीडियो विचलित एवं विव्रत करुछि जदि सरकार यहाँ विरोध में आक्शन न नियंती आमे कार्यानुष्ठान नेउ बोली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कहते। आसंता काली सुप्रीम कोर्ट रे मणिपुर केस रो शुणाणी हेबो। उभय राज्य एवं केन्द्र सरकार को जवाब मागिछन्ति सर्वोच्च अदालत दोषी विरोध में कौन कार्यानुष्ठान निया जाइछि बोली मध्य कोर्ट प्रश्न करिछन्ति। ए होची सुप्रीम कोर्ट को कहबा कथा प्रतिक्रिया सुन। 78 दिन से मणिपुर जल रहा है और जो वीडियो सामने आया वो 78 दिन पहले का है क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं था इसलिए वीडियो सामने नहीं आया। लेकिन ये देखिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है और क्या कर रही है मोदी सरकार। औरतों के कपड़े उतार कर उनके शरीर पर हर जगह हाथ लगाकर उनको खेतों में घसीटा जा रहा है। 15 साल की लड़की के साथ ये हो रहा है और प्रधानमंत्री चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है। उन लड़कियों के साथ वो बदसलूकी हो रही कि आज सारा देश अपने आप को नंगा महसूस कर रहा है। क्या हक है एक व्यक्ति को वहां का मुख्यमंत्री बने रहने का? उसको पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्या हक है नरेंद्र मोदी की सरकार को बने रहने का? 78 दिन बाद जब वीडियो सामने आता है तो स्मृति ईरानी के मुंह की चुप्पी टूट रही है। मणिपुर जल रहा और यह हम बार बार कह रहे थे। जब राहुल गांधी जी वहां पर गए तो कहा गया वो राजनीति कर रहे हैं। इन औरतों के साथ क्या हो रहा है? इनके साथ जो बदसलूकी हो रही है वो आपकी शर्मिंदा है देश। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस घटना को घटे। पुलिस के संज्ञान में है ये घटना। वो कहते हैं हमने FIR भी लिखी है। तो मेरा ये कहना कि वहाँ की सरकार और भारत की सरकार क्या कर रही है? क्या वो चाहते हैं कि वहाँ नरसंहार हो, वहाँ से गृह युद्ध बढ़े, पूरे उत्तर पूर्व में जा कर के फैले या देश तक आए? तो मेरी मांग है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल हटाया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को तमाम विपक्षी दलों को लेकर के हल निकालने के लिए वहाँ की जनता के जो प्रतिनिधि हैं
के साथ बैठना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बिल्कुल अपनी तरफ से और उन अपने नेताओं की तरफ से ये जो विभाजन की भाषा है इसको बंद करनी होगी। मणिपुर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है जिसको देख के मैं खुद ही सहम गई हूँ और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दो लड़कियों को एक झुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मणिपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभद्रता की जाती है। उन लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मांगती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक किया जाता है और 2.5 महीने पहले की ये घटना है, FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया और कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। महिलाओं की जो असमत थी, जो उनके भीतर में चल रहा होगा उस वक्त, क्या उसको हम लौटा पाएंगे? मैं ये प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हूँ, मैं अपनी सरकार से यह सवाल कर रही हूँ। मैं महिला मंत्रियों, सिर्फ बाल विकास मंत्री की बात नहीं कर रही, मैं तमाम महिला मंत्रियों की, तमाम सदन में बैठी हुई महिलाओं से, तमाम वहाँ पे बैठे हुए सांसदगणों से, जिनकी बेटी है, बहनें हैं, माँ है, पत्नियाँ हैं, उनसे सवाल कर रही हूँ। इसको राजनीति का खेल कहेंगे? इसको सरकार सरकार कहेंगे? इसको ऑल इज वेल कहेंगे? इसको कहेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मेरा शरीर कांप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं सरकार से सवाल करती हूँ, ये प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो तो वहां पर भाषण दे के आए थे कि 25 साल का हम एक खाका तैयार कर रहे हैं मणिपुर के लिए। ये है 25 साल का खाका? समस्तों भितर आक्रोश और समस्तों भितर क्रोध इतिपाई, कारण भारत में मणिपुर एभले एक घटना घटी जहाँ भारत एक अविच्छेद्य अंग, आमर गोटे राज्य पार्लियामेंट्रे मणिपुर ताति मिलित विरोधी गोटे दाबी, मणिपुर स्थिति को नहीं प्रधानमंत्री उत्तर रखते। तीन मास धरी मणिपुर जलुता बेले कहीं प्रधानमंत्री चुप, मणिपुर प्रसंग में पदुटीए कहना, प्रधानमंत्री कहतु विरोधी दाबी। एक सर्वदलय बैठक कर घृणित अन्याय अपराध ये सबूर जवाब दिंतु, गृह मंत्रालय कहीं दिगरे आखि बुझी ताकूरी प्रश्न उठा जाए। विदेश में भारत विकास ढिंडीम पिटुच आ मणिपुर स्थिति विश्व देश को लज्जित करुच्छे घटना कही आम आदमी पार्टी। बीजेपी डबल इंजिन सरकार थी राज्य में डबल बर्बरता, डबल शोषण जार प्रमाण दे मणिपुर, एक आम आदमी पार्टी। देश में अखंडता रक्षा करार विफल बा फेल मारी बीजेपी, बीजेपी शासन देशर सुरक्षा प्रति विपद बोली आप सांसद राघव चड्ढा कहते। महिलाओं प्रति यह घृणीय अपराध पर महिला और शिशु कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी कहीं चुप बोली कांग्रेस प्रश्न कर सत कह मंत्री साहस देखा बोली कांग्रेस शुणु प्रतिक्रिया। अपोजिशन पार्टी हम तो डिस्कशन पहले चाहते हैं, डिस्कशन के बाद फिर हम ये भी चाहेंगे कि अपोजिशन पार्टी वालों को लेकर वहाँ पर जाओ, जो वस्तु स्थिति है वो दिखा। हम चर्चा के लिए अगर वो तैयार हो गए, वो किस तरीके का डिमांड हम रखना चाहिए अब तय करेंगे। भारत देश से प्यार करने वाला हर नागरिक, भारत देश की प्रभुत्व और अखंडता को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर समर्पित नागरिक आज मणिपुर में जो घटनाएं हैं वो देखकर जल रहा है, उसका मन जल रहा है, उसका उसका उसकी आत्मा झंझोड़ दी गई है। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी इंडिया अलायंस जो है उस ग्रुप के जितने भी साथी हैं वो सब पूरी मजबूती से सरकार से जवाब मांगेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि सरकार संसद के भीतर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करवाए, इस पर बात हो। बड़ा मुद्दा है कि पार्लियामेंट की इज्जत करिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इज्जत करिए। मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, सब कुछ बर्बाद सा हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। उनसे चुप्पी तोड़ने का आग्रह करेंगे, चर्चा का आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पांव पकड़ लेंगे कि प्रधानमंत्री जी बहुत हो गया।
This is most unfortunate in a constitutional democracy, and that's why the Chief Justice made those remarks and asked the government to take action, and the matter is listed on Friday. Immediately, the Prime Minister has made this statement, not before, after the Supreme Court remarks. So obviously, now he wants to align himself with the sentiments of the Supreme Court. But I don't think, he's our Prime Minister, he represents the people of this country. Right, and what happened to Beti Bachao and Beti Padhao? Is this the way you bachao betis of this country? अपराधी नुहे अपराध लोकलोचन को आनीथिबा संस्था विरोध रे कार्यनुष्ठान मणिपुर रे दुई महिला को उल्लंघन करी परेड कराइबार वीडियो ट्विटर रे वायरल हेबा पर सारा देश रे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। दीर्घ वर्ष धरी एवं वर्ष वर्ष धरी उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार निरवता रक्षा करथिबा बळे एबे मास मास धरी ए घटना घटलाणी पाखापाखी 76 दिन धरी एबे वायरल वीडियो को नहीं ट्विटर विरोध रे एक्शन नेबो सूचना प्रसारण मंत्रालय। ट्विटर रे वीडियो हेबा जोगु आईन श्रृंखला परिस्थिति उपजिला फल रे ट्विटर विरोध रे कार्यनुष्ठान पाई केन्द्र नोटिस पठाई बोली सूचना मिली। गुरुत्वपूर्ण सूचना ये मध्ययुगीय बर्बरतार प्रमाण जहां मणिपुर देखा मिली और मणिपुर हिंसा तार मूलर ही इंटरनेट को सेठी बंद कर जाइतला जोथिपाई ए वीडियो एबे सामना को आसला जतबेले स्थिति रे सुधार आसला। दर्शक बंधु ए झियो दुई जण ए महिला माने ए युवती माने पुलिस कैंप रे थिले एमानंकु सेइठु निर्दिष्ट गोष्ठ लोके घोसाड़ी घोसाड़ी आनिले बीच रास्ता रे एमानंकु उल्लंघन कले आउ तापरे धान बिल रे एमानंक सहित अभद्रचित आचरण कले अत्यंत घृण्य कार्यकलाप एमानंक सहित करिसेंदि गण बलात्कार एमानंक सहित करागला सेमानंक वीडियो शूट करागला। ए प्रसंग को नहीं विश्वजित दास अच्छा वरिष्ठ आईनजीवी सुप्रीम कोर्टर चुक्त दास आपको स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को जो घटना समग्र देश को आंदोलित करी जो घटना समस्त को व्यथित करी निजे प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ए क्षुब्ध अच्छा ये घटना वास्तविक तार जदि आम लीगल आंगल देखा बा न्यायिक दिग देखा कौन हवा उचित वर्तमान समय घटना को नहीं I mean, despicable, dastardly, and distressing incidents happening despite a constitutional governance is there in our country. Mane gote elected government achi, and despite that, irrespective of whatever kind of a you know the amaroi jo chaliti tini meru, this is an incident of 4th of May. European Union also try to resonate it. Different world countries are taking note of it. Amara, only after the Honorable Supreme Court interfered today, the Honorable Chief Justice, through taking Suomoto action, I mean, cognizance of this kind of a event, I mean, where a Dita, Nordic Jionku, gang rape karikina, open yere, mob mane taku chaleke nochanti, and only when this came to the light through social media. In fact, terrible that our media is also completely blind. And after 2.5 months, jetebele eta already honorable Supreme Court nela, tapore government is now waking up to it. This is unspeakable. In fact, law due to angle mathe pacharachanti. Again, I am also a member of that community. I feel extremely sorry about people like me that despite we have such a vibrant democratic system, these kind of things, barbaric things are happening in this 21st century. And this is now taken the shape of a politics, no more within the realm of law now. So therefore, I think people like us, all the people who are actually the media or for that matter, the audience, they should know ki law and order thiba satwe, law and order samnare, institution samnare, sadharano loko manankara, and more importantly, women who ame a phariya dastardly behavior karuche. And semanako upare action or hima selani kichi niya hai nahi ki jadi bhi niya hai thi wo aman ko pata nahi. And now that the only honorable prime minister could speak after 2.5 months, this is unspeakable, this is unpardonable, and I think people like us should hang our head on our shoulder. निश्चित भाव में ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक बिल्कुल बढ़िया कथ आप उल्लेख कले सुक्त दास अनेक अनेक धन्यवाद आपको विश्वजित दास थे सुप्रीम कोर्टर वरिष्ठ आईनजीवी कहवा कथा जे घटना को अढ़े मस रु अधिक समय बीतला किंतु ए पर्यंत जो स्थिति आम मणिपुर देखी मणिपुर स्थिति को जिते निंदा कले भी से
कम हेबो किंतु ए घटना रे कार्यानुष्ठान काई के पर्यंत ग्रहण करा जाय नाही ता स्थानीय पुलिस स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकार उपरे अंगुली निर्देश करूची जो माने हिंसा को प्रतिहत करि पार नांती जो माने लॉ एंड ऑर्डर को प्रतिहत करि पार नांती से माने राज्य रे एवं स्थानीय समाज रे किबळी भाव रे शांति रखिबे यही सब बड़ा प्रश्न वर्तमान समय दर्शक बंधु ये घटना जहाँ सारा देश को आंदोलित करूची आपण दुई तीनोटी घटना ताहला मे चार रे चित्र जो वीडियो वर्तमान वायरल हला एवं ये घटना को एते दिन बीतवा पर भी मणिपुर सरकार चुप रहिबा आहुरी अनेक गुड़िए प्रश्न सामना कलेने अर्थात या पछरे कई अच्छा कि कहीं घटना को चपाई देवाई उद्यम करदी आपड़ एवं ट्विटर विरोध में आक्शन ने जदि ट्विटर में भिड पड़ी न था बोध हुए जो जणीए गत रात आरेस्ट होती बर्तमान कहते आम आउ जन को अटक रखीचु एतिक भी हो न था तेणु आज सामाजिक गणमाम हो स्थानीय लोके हूँ बा सारा देशर जनसाधारण हूँ से मापर मणिपुर रे ए हिंसार विरोध मणिपुर रे हिंसा को प्रतिरोध करने जो सामान्य प्रयास आरंभ हो अंतत पक्षे सेतिकी हेछि ता पूर्वरु मणिपुर सरकार चुप रही थी डबल इंजिन रो कथा जो माने उल्लेख करछन्ति से जळ जळ होई देखा जाउछि जा आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस उल्लेख करुछि डबल इंजिन रो सरकार रे डबल विफलता डबल निर्यातना डबल शोषण ये मणिपुर ही प्रतिमान करुछि मास मास धरी जळुछि मणिपुर दंगा परे दंगा हिंसा परे हिंसा केउटी घर जळुछि तो आउ केउटी लोक रास्तारे अछन्ति केउटी पुलिस क्यांप रे लोकंको आश्रय नबा को पडुछि तो आउ केउटी लोक माने मणिपुर छाडीबा पई बाध्य होउछन्ति सीमांचल दे बाहर अंचल को बा बाहर राज्य को पलायन करुछन्ति आउ एभली स्थिति रे ए घटना ए वीडियो पूरा देश को व्यथित करिछि समस्तंको आंदोलित करिछि एवं सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ मध्ये आज ए घटना को नै शुभ प्रकाश करिछन्ति आउ कहिछन्ति जे सरकार जदि आक्शन ने आम आक्शन नापी बाध्य हो संपर्क अधिक आलोचना करवा अनुराधा महांती आम सहित अच्छा शिशु अधिकार सुरक्षाकर्मी तथा समाजसेवी अनुराधा मैडम स्वागत करुच्ची आपन को जो घटना गत कालीठू जो वायरल वीडियो सामना को आसुच्छे समस्ते आंदोलित घटना को नहीं सड़क रू संसद पर्यंत सबुठी आज तीव्र भाव घटना को निंदा कर प्राथमिक भाव में जाना चाहूँगी मणिपुर में ये घटनापाई क्या आप दायी करेंगे कहीं स्थित आज उत्पन्न हो देखो ये जो मणिपुर हिंसा जो हिंसाकांड ये गोटे आम समस्त आज गोटे बहुत बड़ लज्जाजनक परिस्थिति सृष्टि करोटा बेसी हूँ जो महिला मान जो आक्रमण आम देखे ये आज नुहे जिते बोसी ना कौन विगत दिन में कौटी भी गोटे कि कम्युनिटी कनफ्लिक्ट हुए कि हिंसा हुए कौट गोटे युद्ध हुए से सब बेले महिला और पिला मान सब टार्गेट कर एवं सेठी महिला मानकर सुरक्षा गोटे सब बड़े बड़ प्रश्नवाची माने विगत दिन रे थिला आज भी अच्छी जो भी कौन से गाँव रे भी जदि गोटे कनफ्लिक्ट हो महिला मानकर स्थिति सब बड़े बहुत भयानक हो जाए एवं विशेष भाव में आम भावे लोक मानकर लोक चरित्र आमर एमती लोक माने ये मजबूरी फायदा नि पूरा से मैंने जमती गोटे जो कहती जो माने जो मांस लोभी बा जो माने गोटे किसी सभ्य आचरण ही ना असभ्य लोक ए मानकर गोटे उत्तर दायित्व बा गोटे निज भी निज माँ निज झील ये कम करे कि सब भावे से मैंने सुरक्षित रुहतु अगर झील अगर माँ अगर भी से मैंने किसी नुहत यही भाया आटीच्यूड आम महिला मान जो सुजोग आम नौ इवेन भिड़ जगार भी देखु कौन गोटे भिड़ जगार गले कहीं गोटे पुरुष लोक तो पुरुष लोक को कौटी सेक्सुअली अब्यूज कर दौनी गोटे भिड़ जगार कि महिला को करदे गोटे कौटी गोटे प्रकार घटना हेले कहीं पुरुष लोक को तो सेक्सुअल अब्यूज रटना एत हो पा मान छोट पाऊपर हो मना करमी नुहे जमी महिला मानी हिंसाकांड जो घटे आम महिला मानते बर्बर भाव में आटाक करू एत जौन पिपासु आम राक्षस पूरा से आम प्रत्येक कनफ्लिक्ट प्रत्येक हिंसा आम देखीचु आम असभ्य हो जाऊ आम महिला मान तो माने जो समय रे कि जन को सुरक्षा दबा करता हमें से माने केमती सुरक्षित जगह को पड़े जांतु सही समय रे हमें ए सुजोग नै कि हिंसा
ହିଂସାକାଣ୍ଡର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡର ବାହାନା ନେଇ ଏଭଳି ଆମେ କାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଅସ୍ଥିରତା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ବୟସ୍କମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଯୌନ ଶୋଷଣର ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯାହା ମଣିପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ବା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ। ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।